वेलकम टू रासा इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 2 एंड चैप्टर नेम इज़ कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मैनमेड मशीन. कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी मशीन है जिसको इंसान के द्वारा बनाया गया है. यू विल फाइंड इट्स यूजेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल, शॉप, ऑफिसेस, बैंक्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. इसको हम हर जगह देख सकते हैं, स्कूल में, शॉप्स पर, ऑफिस में, बैंक में और हॉस्पिटल में. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है. अ कंप्यूटर मेक यू डू योर वर्क ईजली एंड क्विकली. कंप्यूटर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है. इट कैन बी यूज टू वॉच कार्टून. इसका यूज़ कार्टून देखने के लिए, सम्स को सॉल्व करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए और गेम खेलने के लिए भी किया जाता है. मैन एंड कंप्यूटर. स्टोरेज. मैन कैन फॉरगेट थिंग बट अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. इंसान कुछ चीज़ें याद रखता है लेकिन कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, लेकिन कंप्यूटर में की मेमोरी में कोई भी फाइल आसानी से सेव की जा सकती है और जब हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेना चाहें तब ली जा सकती है. टाइम. मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ मशीन. इंसान मशीन की तरह वर्क नहीं कर सकता बट कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. लेकिन कंप्यूटर जो वर्क करता है वो बहुत फास्ट करता है. इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. नेक्स्ट पेज इज 6. एक्यूरेसी. अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स बट द कंप्यूटर इज एक्यूरेट एंड नेवर मेक्स अ मिस्टेक. इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट. ह्यूमन. इंसान एक बार को मिस्टेक कर सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट. वह हमेशा सही रिजल्ट देता है. नेक्स्ट. डिलीजेंस. अ मैन नीड रेस्ट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स बट अ कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली. एक इंसान ज़्यादा देर तक, ज़्यादा घंटों तक वर्क करता है तो उसको कुछ टाइम रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर. इसके द्वारा वर्क लंबे समय तक किया जा सकता है. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. डिसीजन. अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन. एक इंसान अपने द्वारा कोई भी डिसीजन ले सकता है. वेयर एज अ कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन फॉर मेकिंग इट्स डिसीजन. लेकिन कंप्यूटर जो होता है वह एक इंसान पर डिपेंड होता है. इंसान जैसा कहता है वह वैसा ही करता है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन. इसको जैसे इंस्ट्रक्शन, जैसे काम दिए जाते हैं, जैसे इससे वर्क किया कराया जाता है, ये उसी हिसाब से उसको फॉलो करता है. नेक्स्ट. फीलिंग. मैन हैज़ फीलिंग. इंसान के अंदर फीलिंग होती है. वी फील हैप्पी व्हेन वी सिक्योर गुड मार्क्स बट अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग. इंसान के अंदर फीलिंग होती है. वह कुछ अच्छा करता है, अच्छा वर्क करता है तो खुशी का अनुभव करता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है. अ कंप्यूटर डज वर्क हार्ड. कंप्यूटर पर वर्क बहुत कठिन परिश्रम से किया जाता है. मतलब कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक कठिन परिश्रम से वर्क करता है. बट कैन नॉट फील हैप्पी. लेकिन इसमें वह खुशी का अनुभव नहीं करता है. ऑन डूइंग अ गुड जॉब एज इट इज़ अ मशीन. वह तो जो भी वर्क करता है अच्छा वर्क करता है क्योंकि वह एक मशीन है. नेक्स्ट पेज नंबर इज 7. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर एट न्यूमरस प्लेसेस. टूडे दे आर यूज नियरली एवरीवेयर.
कंप्यूटर हर जगह देखा जा सकता है, अलग अलग प्लेसेस पे देखा जा सकता है। आज हम कंप्यूटर को अपने आसपास कहीं जगह यूज़ करते हुए देख सकते हैं। एट होम, एट होम कंप्यूटर आर यूज़ फॉर, घर में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए। लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनने के लिए। वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखने के लिए। डूइंग होमवर्क, और अपना होमवर्क करने के लिए। इन स्कूल, स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक स्पेशली इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेकिंग टाइम टेबल एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट, टाइम टेबल बनाने के लिए और रिजल्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एट ऑफिस, एट ऑफिस कंप्यूटर आर यूज़ फॉर, ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर, प्रिंट लेटर को प्रिंट करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। स्टोरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन शॉप्स, इन शॉप्स कंप्यूटर आर यूज टू, शॉप्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कीप द रिकॉर्ड ऑफ आइटम, आइटम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, कितना सामान है कितना सामान नहीं है शॉप के अंदर, स्टॉक मेंटेन करने के लिए। सेकेंड, मेक बिल्स, बिल्स बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर इज 8। इन बैंक, इन बैंक कंप्यूटर आर यूज टू, बैंक में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। वन, कीप द डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर इन द बैंक, अकाउंट्स की डिटेल लेने के लिए, अकाउंट्स किसका कहाँ है कैसे है इसकी डिटेल लेने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हेल्प टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, जब हम एटीएम से मनी विदड्रॉल करते हैं तब भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। इन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनर यूज़ कंप्यूटर टू, डिज़ाइनर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डिज़ाइन क्लॉथ्स, कार, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, डिज़ाइन बनाने के लिए, कपड़े की डिज़ाइन बनाने के लिए, मशीन की डिज़ाइन बनाने के लिए, कार की डिज़ाइन बनाने के लिए, बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन बुक्स कवर एंड मेक कार्टून फिल्म, कार्टून फिल्म्स बनाने के लिए, बुक्स की डिज़ाइन बनाने के लिए, कवर की डिज़ाइन बनाने के लिए, इन सब के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। असिस्ट इन स्कीमिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, स्कीम बनाने के लिए, बुक्स पर प्रिंट करने के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए, मैगजीन्स बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एट हॉस्पिटल, एट हॉस्पिटल अ कंप्यूटर हेल्प, हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर हेल्प करता है। टू स्टोर द पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट, रोगियों को स्टोर करने के लिए, यानी कि पेशेंट बनाने के लिए, कितने पेशेंट किस हॉस्पिटल में हैं, कितने पेशेंट किस हॉस्पिटल में नहीं हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स टू नो मोर अबाउट द डिसीज़ एंड देयर कॉजेज, डॉक्टर ये जानने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कि किसको क्या बीमारी है और उस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, इन कारणों का पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट, और इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन सर्च, इन स्पेस रिसर्च, इन स्पेस रिसर्च कंप्यूटर आर यूज्ड इन, स्पेस रिसर्च में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, यह पता लगाने के लिए कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेंडिंग रॉकेट इनटू स्पेस, जब रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजा जाता है तब भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर इज 9। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स,
एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कंप्यूटर हेल्प इन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कंप्यूटर बहुत सहायता करता है। बुकिंग टिकट्स, टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन एंड एयरप्लेन्स, ट्रेन हवाई जहाज के आगमन और प्रस्थान के समय के बारे में भी सभी जानकारी कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट साइज, सम आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल। कंप्यूटर अलग अलग साइज के दिखाई देते हैं, कुछ तो बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर कीप्ड ऑन अ डेस्क और ऑन अ टेबल। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज नोन एज द पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए टेबल का, डेस्क का यूज़ किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ हैवी। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो हैवी होता है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए ये बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट, लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज। लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं एंड लाइट इन वेट, और इनका वजन भी बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है। दे कैन बी ईजली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अ लैपटॉप वर्क्स ऑन अ बैटरी। लैपटॉप जो वर्क करता है, लैपटॉप वर्क बैटरी के द्वारा करता है। नेक्स्ट, नोटबुक। अ नोटबुक इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप। नोटबुक छोटी होती है लैपटॉप से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी नोटबुक। इसको मिनी नोटबुक भी बोला जाता है। इट इज़ लेस पावरफुल देन अ लैपटॉप एंड कैन परफॉर्म फ्यूअर टास्क। यह कम पावरफुल होती है लैपटॉप की अपेक्षा वर्क करने में या अदर कोई भी कार्य करने में। नोटबुक कैन ईजली बी कैरीड एवरीवेयर। नोटबुक को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। नेक्स्ट पेज इज 10। टैबलेट पीसी। अ टैबलेट पीसी इज़ अ स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी को छोटा मोबाइल कंप्यूटर बोला जाता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ थिन टेक्स्ट बुक। यह एक पतली सी टेक्स्ट बुक की तरह होता है। इट इज़ स्मॉलर देन अ नोटबुक, लेकिन नोटबुक से छोटा होता है। बट बिगर देन अ फोन, लेकिन फ़ोन से बड़ा होता है। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी। इसको भी आसानी से ले जाया जा सकता है। रैप अप। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मैनमेड मशीन। कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी मानव के द्वारा बनाई गई मशीन है। कंप्यूटर हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर। कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती हैं एंड लंबे समय तक इस पर वर्क किया जा सकता है। कंप्यूटर आर यूज्ड एट मैनी प्लेसेस लाइक एट स्कूल्स, ऑफिसेस, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस। कंप्यूटर का यूज़ बहुत सी जगह किया जाता है, जैसे स्कूल्स, ऑफिसेस, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल और अदर वेरियस प्लेसेस, बैंक और भी जगह कंप्यूटर का यूज़ बहुत किया जाता है। कंप्यूटर कम इन वेरियस साइज़। कंप्यूटर अलग अलग साइज़ के आते हैं। दे आर डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप, नोटबुक एंड टैबलेट पीसी एक्सेट्रा। क्लियर?